दोस्तों, अगर आप भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हो और अपलोड करने के बाद से अगर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, अगर आप भी ऐसी वीडियो देखते हो तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि आपके व्यूज कितने बढ़े है? 10 मिलियन, 5 मिलियन या 1 मिलियन? नहीं बढ़े ना। और इनके देख लो, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 16 मिलियन। ये भगवान क्या जुलुम है तुम लोगों ने। तुम बहुत बेले इंसान हो, पूरे दिन यही देखते रहते हो अपनी वीडियो कैसे वायरल करूं, इसलिए इनके इतने ज्यादा व्यूज हैं। अच्छा भाई, मैं आपको वायरल होने के तरीके बता दूं। आप इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, कितना अच्छा है, हमारे बैकग्राउंड से लाख गुना अच्छा बैकग्राउंड है ना उनका, इसलिए उनकी वीडियो चलती है। अब सेकंड ट्रिक, उनकी वॉइस क्वालिटी देख लो, हमारी वॉइस क्वालिटी से 1000 गुना अच्छी वॉइस क्वालिटी महंगे माइक से होगी, आई थिंक। ठीक है, ठीक है। तो आप कुछ चीजें सुधार लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक थंबनेल बनाना सीख लो। अगर आपको यूट्यूब पे कुछ देखना है तो सिर्फ इतना देखो कि थंबनेल कैसे बनाए, वीडियो एडिटिंग अच्छी से अच्छी कैसे करें, इन चीजों को देखो। लेकिन आप क्या देख रहे हो, हमारे व्यूज नहीं आ रहे, रो के सर्च कर दिया यूट्यूब पे। अभी कैरी मिनाटी या फिर राउंड टू हेल या फिर आशीष चंचलानी से पूछा जाए कि भाई साहब आप किस तरीके से वीडियोस को अपलोड करते हो, किस यूट्यूबर की ट्रिक फॉलो करते हो आप तब वीडियो अपलोड करते हो, भाई कुछ नहीं होता, सब चीज बकवास है, सब अपना धंधा चला रहे हैं आपको चूतिया बना बना के। और अफसोस की बात यह है कि आप चूतिया बन भी रहे हो। इमोशनल डैमेज, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे यूट्यूबरों का बस नहीं चलता, ये आपको ये भी बोल दे। तो देखो गाइस, अगर आपका चैनल अभी तक वायरल नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो, आप मेरी 10 वीडियो डेली देखो, आपका चैनल वायरल हो या ना हो मेरा अवश्य हो जाएगा। जो ही बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसी वीडियो बना के अपना धंधा चला रहे हैं और छोटे छोटे यूट्यूबरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें मैन ट्रिक नहीं बता रहे, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। और अगर आप भी ऐसी वीडियो हमेशा देखते रहते हो तो टेंशन मत लो, लोग आपको एक ही बात बोलेंगे, तुम गांडू हो। अगर आपको YouTube पर कुछ चीजें देखनी है YouTube चैनल वायरल करने के लिए तो कुछ लिमिटेड चीज देखो। फॉर एग्जाम्पल, आप थंबनेल कैसे बनाएं, अच्छे से अच्छा थंबनेल, मेरा भी थंबनेल ज्यादा अच्छा नहीं है, तो अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाना सीखें, वीडियो एडिटिंग अच्छे से अच्छे करना सीखें, की वीडियो में की फ्रेमिंग यूज करना सीखें। और YouTube पर ये बिल्कुल ना देखें कि टाइटल कैसे लगाएं, YouTube पे वीडियो अपलोड कैसे करें, SEO कैसे करें, टैग कैसे लगाऊं। अगर तुम यही करते रहे ना तो सच बता रहा हूँ, लोग आपसे जरूर बोलेंगे तुम गांडू हो। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, जब भी आपके सामने ऐसी वीडियो आए और जिनमें बोला जाए कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको व्यूज की प्राप्ति होगी, तो यार आप भी बोल दिया करो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो जोक सपाट गाइस, आप इस वीडियो को पूरा, अबे एक मंत्र मानूंगा ना तो साले फसम हो जाएगा फसम। सॉरी, माफ करना, मैं मुंह से निकल गई, कट कर देना इसे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं हूँ कटप्पा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुमित। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले स्पेडिंग ज्ञान भैया के बारे में, जो कि आपको बताते हैं कि आप अपनी वीडियोस को कैसे वायरल कर सकते हैं। इनके वीडियो पे 16-16 मिलियन व्यूज आते हैं, लेकिन आपकी वीडियो पे 16 व्यूज भी नहीं आते। गजब बेइज्जती है। और तुम लोगों को अगर ये लग रहा हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तुम्हारी वीडियोस को वायरल करवाने में, तो देखो ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। और अगर आप मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हो कि कैसे वीडियोस को वायरल करते हैं, तो मैं फिर से वही चीज भौंकूंगा, बोलूंगा। आपको अपनी वीडियो क्वालिटी पे, ऑडियो क्वालिटी पे, थंबनेल पे और बैकग्राउंड पे फोकस करना है, और आपका जो वीडियो उस पे ऑडियंस रिटेंशन 50% प्लस होना चाहिए, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। थैंक यू। और आपको यूट्यूब पे इन ज्ञान के चौदों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, तभी होगी। और अगर तुम ये भी चाहते हो कि मैं इससे भी ज्यादा तरीके बताऊं वीडियो को वायरल करने के, तो सुनो, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और मैं आपको एक डार्क रियलिटी बता दूं, अगर ये मेरी वीडियो वायरल हो जाए तो आप समझ जाना कि ऐसी वीडियो में ज्यादा स्कोप है। मेरी वीडियो में व्यूज तो नहीं आते, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ शायद ये वीडियो वायरल हो जाए। तो बोलो जय माता। और ये जो यूट्यूबर है ना, बिना निस्वार्थ के आपका चैनल वायरल करवाने में लगे हुए, आपकी वीडियो वायरल करवाने में लगे हुए हैं, ये सिर्फ आपका चूतिया काट रहे हैं। अगर इनसे लाइव पूछा जाए इनके मुंह पे सामने छाती पे खड़े होके, भाई साहब बताओ आप यूट्यूब पे ऐसी बकचोदी क्यों करते हो, तो ये यही बोलेंगे, सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा हूँ। आप इस चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हो, ये चैनल बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डेड है, इंडिया में सबसे नंबर वन पे डेड चैनल है ये। अच्छा। और 2020 में इस चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज आते थे, क्योंकि तब मेरा ओल्ड रूम था, सिर्फ ईंटों का बना हुआ था, कोई प्लास्टर वगैरह नहीं था, तो उसमें एको नहीं आती थी। लेकिन अभी जो इस रूम में मैं वीडियो बनाता हूँ, इस रूम में सिर्फ 2 साल पहले और 1 साल पहले इतनी एको आती थी कि लोग सुनने में कंफ्यूज हो जाते कि मैंने वीडियो बोला
बोला है या फिर लोगों को गालियां दी हैं। जब मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो देखना छोड़ते जा रहे थे तो मैंने उनसे खूब रिक्वेस्ट की कि भाई साहब प्लीज मत छोड़ो मेरी वीडियोस को, मत छोड़ो मेरे चैनल को, गांव में मेरी इज्जत है। लेकिन वो मेरे थप्पड़ मार के चले गए कुछ इस तरीके से। क्या बात है, गांव में इज्जत है हमारी, समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा। एक बात और मैं आपको बता दूं, स्प्रेडिंग ज्ञान वाले भैया का चैनल मैं 2-2.5 साल से फॉलो करता हूं। उनकी जितनी भी वीडियोस आती थी यूट्यूब पे हेल्प करने वाली, मैं उनकी सारी वीडियोस देखता था, लेकिन मेरी कोई हेल्प आज तक नहीं हुई। ठीक है। लेकिन जब मैंने अपना स्टूडियो चेंज कर दिया, माइक चेंज कर दिया, एकोस्टिक फॉर्म लगा दिए, सारी चीजें सुधार ली, तब जाके अब मेरे चांस है चैनल बूस्ट होने के। मुझे लग रहा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि एकोस्टिक फॉर्म क्या होते हैं, तो चलो दिखा देता हूँ यार अपने घर की बात है। एकोस्टिक फॉर्म देखो, ये पीछे 4 लगे हुए हैं, ठीक है, और इधर कम से कम 20-25 एकोस्टिक फॉर्म लगे हुए हैं, ठीक है, इधर 4, इधर 20-25 काउंट कर लेना, ठीक है, और इधर भी 4 लगे हुए, वो वाले 4 उधर हैं, इधर अलग से 4 लगे हुए, और इन्हीं के बगल में भाइट वाली दीवार पे ये 3 लगे हुए, एंड उधर साइड फिर से 3 लगे हुए, एंड इधर देख सकते हो 3-4, इधर भी कम से कम 10 लगे हुए हैं, ठीक है, इधर 10 लगे हुए, और उसके ऊपर जो ये लगे हैं ब्लैक वायर, इसके ऊपर और 3 लगे हुए, और छत पे देखो आप, छत पे भी लगे हुए कम से कम 5-6 एकोस्टिक फॉर्म। ये जो एकोस्टिक फॉर्म है, ये टोटल 55 एकोस्टिक फॉर्म है। अगर आपको इन्हें खरीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं, मतलब जो जो प्रोडक्ट में यूज करता हूं वीडियो बनाने, वो सभी चीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से उन्हें परचेस कर सकते हो। यहां पर दोस्तों आप सर्च पे क्लिक करना, यहां पर दोस्तों आप जो भी कीवर्ड लिखोगे, उस कीवर्ड को लोग YouTube पर किस तरीके से सर्च करते हैं ये आपको YouTube बताएगा। इनकी ऐसी ज्ञान भरी बात सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है, लाइक आशीष चंचलानी भैया का फ्यूचर ऐसी ही बातों से बना, कैरी मिनाटी का भी फ्यूचर ऐसी ही बातों से बना, जो भी बिग यूट्यूबर है सभी का फ्यूचर इन्हीं यूट्यूबरों ने अपनी ट्रिक से और हेल्प से, टैग लगाने से, SEO करने से बनवाया है। सच बता रहा हूँ, ऐसा ज्ञान जब भी ये देते तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरे मन में सिर्फ यही आता है माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और अगर आप थोड़ा और गौर से देखो तो इस वीडियो को 2,22,000 लोगों ने लाइक कर रखा है, तो मैं उन 2,22,000 लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आग लगा दी। हाँ, तुम बस ऐसे ही करते रहो, दूसरों की वीडियो देखते रहो, अपना कुछ भी मत कर लेना, ठीक है, शर्म करो। आप लोगों को पता है मम्मी मुझे खाना परस के देगी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया, इस वीडियो को बनाने में लगा हुआ हूँ। तेरे की खाने की बर्बादी हो गई। तो देखो, ये देखना बंद कर दो कि टाइटल कैसे लगाएं, टैग कैसे लगाएं, SEO कैसे करें, थंबनेल कैसे लगाएं, अपने YouTube चैनल की ऐसी सेटिंग ऑन कर दो, आपके YouTube चैनल पे व्यूज की बाढ़ आ जाएगी, ये सब आपके चूते काट रहे हैं, इसलिए बंद करो, अपने काम पे फोकस करो सबसे ज्यादा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो बोलो जय माता।